और वही अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सरकार से बड़ा झटका। जी हां, दिल्ली सरकार के सचिव ने रिकवरी नोटिस किया जारी। 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस है ये जो जारी किया गया है। हम आपको बता दें कि 10 दिनों के भीतर ये जमा करना ही होगा। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विभाग से ये नोटिस जारी किया गया है। तो 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अपनी ही सरकार से बड़ा झटका मिला है। दिल्ली सरकार के सचिव ने रिकवरी नोटिस जारी किया है और ये रिकवरी नोटिस जो है 164 करोड़ रुपए का रिकवरी नोटिस है। तो अपनी ही सरकार से नोटिस मिला है, 10 दिनों के भीतर ये जमा कराने को कहा गया है डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी विभाग से। विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनय, आपसे जानना चाहेंगे ये रिकवरी नोटिस जो जारी किया गया है ये अरविंद केजरीवाल को उन्हीं की सरकार की तरफ से जारी किया गया है, क्या कुछ इसके पहलू हैं? देखिए, दिल्ली सरकार का एक विभाग है डीआईपी, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रेस एंड पब्लिसिटी, उनकी तरफ से ये नोटिस दिया गया है। और चूंकि ये कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से लगभग 160 से ज्यादा करोड़ रुपए का विज्ञापन दिल्ली में लगाया गया और ये कहा गया कि सरकारी विज्ञापन की आड़ में पार्टी, अपने निजी पार्टी के, आम आदमी पार्टी के विज्ञापन लगाए गए और अब इसकी रिकवरी के लिए ये नोटिस भेजा गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से भी जो दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है, उन्होंने ये कहा है कि हम उन अधिकारियों से पूछेंगे कि कौन से ऐड की ये बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में जगह जगह बीजेपी और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापन लगे हैं, उनसे किस तरह से अलग है दिल्ली सरकार के विज्ञापन। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है, लेकिन अब जो नोटिस डीआईपी की तरफ से जो भेजा गया है केजरीवाल सरकार को, और उसमें 10 दिनों के अंदर ये अमाउंट जमा कराने के लिए कहा है जिसका विज्ञापन दिल्ली में लगा है। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार के लिए ये जरूर कह सकते हैं कि मुश्किलें बढ़ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली को मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ये बयान जारी किया है कि हम देखना चाहेंगे कि किस विज्ञापन की बात यहाँ पे विभाग कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनय, तमाम जानकारी के लिए।